अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फूड डायरीज। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट टू यू इन 2015। आज हम क्या बनाएंगे जी? ऐसा दिन है तो हम कुछ मिठाई बनाएंगे। हम आज बनाना, आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे। आप सोचेंगे इतनी सर्दी में जारना की क्या आइसक्रीम बनाएगी, तो जी हाँ, मज़े का ये झटपट तैयार होने वाला बनाना आइसक्रीम है, उसको सर्व करेंगे हम लावा केक के साथ। बहुत फरमाइश थी लावा केक की, तो आज हम पीनट बटर लावा केक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें अंदर छोटे छोटे पीनट बटर के बॉल्स हम बना के रखेंगे और फिर हम वो बैटर को फ्रीजर में रखेंगे और फिर हम उसको बेक करेंगे। तो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा, बनाइएगा, मज़े का ये मीठा है। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन यू हैव टू फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप। यहाँ मैंने सिर्फ पीनट बटर, जो भी आप लें, क्रीमी वाला लें या चंकी वाला लें, दो एग्जाम के मिलते हैं आजकल मार्केट में। क्रीमी यानी कि बिल्कुल पिसा हुआ, अच्छा फाइन स्मूथ पिसा हुआ होता है, और दूसरा होता है चंकी, यानी कि उसमें पीसेस होते हैं मूँगफली के। जो भी आपको जो भी चाहिए इस्तेमाल करिए। उसके मैंने बॉल्स बना के यहाँ रख दिए हैं। और हम क्या करेंगे, हम बैटर बनाएंगे केक का, उसको रैमकिन्स में रखेंगे, फिर उसके अंदर हम एक एक पीनट बटर का ये बॉल रखेंगे, फिर दूसरा बैटर से कवर करके उसको हम अवन में रख देंगे। लेकिन उससे पहले हमें उसको फ्रीज़ करना है। ये आप फ्रीज़ करेंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और आपको पता है लावा केक ज़्यादा हम बेक नहीं करते हैं, फ्यू मिनट्स इन द अवन, बट ये प्रोसेस ज़रा थोड़ा लंबा है। अगर आपने उसको ओवर बेक कर दिया तो क्या होगा कि लावा केक नहीं बनेगा, फिर ये बन जाएगा एक कप केक, उतना ही मजे का होगा लेकिन वो लावा उज आउट नहीं होगा, इन दिस केस पीनट बटर। ओके, चलें, मेरे पास यहाँ 6 टेबलस्पून भर के चॉकलेट है, इसको मैंने चॉप करके यहाँ डाल दी है। डार्क चॉकलेट होनी चाहिए। और हम मक्खन इस्तेमाल करेंगे, फीका अनसॉल्टेड मक्खन, जो कि है 8 टेबलस्पून, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम एक सॉस पैन में डाल रहे हैं, इसलिए कि डायरेक्ट सॉस पैन में डाल रहे हैं इसलिए कि इसमें चॉकलेट के साथ एक और दूसरी अज्जा है। अगर चॉकलेट सिर्फ अकेली चॉकलेट मुझे मेल्ट करनी होती तो मैं कभी भी उसको डायरेक्टली चूल्हे पे नहीं करती, बिकॉज पैन में वो जलने का खतरा होता है, चॉकलेट जल जाएगी, हार्ड हो जाएगी, सीज हो जाएगी, तो कभी भी आप उसका कुछ भी नहीं फिर बना सकेंगे। मैंने चॉकलेट और मक्खन को यहाँ डाल दिया है और यहाँ हमें इसे बिल्कुल हल्की आँच पर मिक्स करेंगे। चॉकलेट अगर चॉप हुई हुई होगी ना तो आसानी से जल्दी से पिघल भी जाएगी, इसलिए मैंने ग्रेट कर दीजिए, ग्रेटर पे रख के, या चॉप कर दीजिए, जो भी आपको करना हो। लेकिन पूरा ब्लॉक फ्रिज में से निकाल के कभी भी नहीं इस्तेमाल करिएगा। क्या होगा कि वो चॉकलेट पिघलेगी नहीं, मक्खन पिघल जाएगा पहले और फिर वो अजीब सा हो जाएगा। आँच हमेशा इसकी हल्की सी रखते हैं। ये आपने इस तरह मिक्स किया, हमेशा हम डबल बॉयलर पे वैसे चॉकलेट करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। अगर चॉकलेट के साथ कोई और अज्जा है तो फिर इट्स फाइन डायरेक्ट चूल्हे पे, वरना आप उसको डबल बॉयलर पे करिए। पैन में पानी भरिए, पानी के ऊपर एक बोल रखिए, बोल में आप फिर चॉकलेट डाल के मेल्ट कर दीजिए। और प्लीज़ याद रहे कि जो भी बोल आप इस्तेमाल करें वो साफ़ सुथरा हो, डर्टी नहीं हो, बिल्कुल पानी नहीं हो उसमें। एक भी कतरा पानी अगर गया आपकी चॉकलेट में तो आपकी चॉकलेट सख्त हो जाएगी, एकदम से जकड़ सी जाएगी और फिर उसका कोई हल नहीं है, फिर आप उसको ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। लावा केक में 2-3 दफ़ा करा चुकी हूँ, वो चॉकलेट का ही कराया है, चॉकलेट ही यूजिंग आउट होती है, तो मैंने सोचा ज़रा आज थोड़ा मुख्तलिफ सा करते हैं। इसको हम सर्व करेंगे, ऊपर आइसिंग शुगर छिड़केंगे और पुदीने के पत्ते रखेंगे, बादाम या पीनट बटर है तो आप मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, ऊपर मूंगफली रोस्ट करके डाल दीजिएगा। मक्खन पिघल चुका है, थोड़े से चॉकलेट के टुकड़े हैं जो नहीं पिघले हैं अभी, को हमें पिघलाना है। इस पे पूरे 2 अदद अंडे जाते हैं और सिर्फ 2 अदद अंडे के अलावा 2 जर्दियाँ भी जाती हैं। जब भी आप चॉकलेट को पिघलाएं, अगर आपको लगे कि हीट ज़्यादा लग रही है तो चूल्हे से हटा दीजिएगा, फिर दोबारा रखिए, दोबारा करिए। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में प्लीज़ याद रखिएगा कि शॉर्ट बर्स्ट पे करिएगा, यानी कि आपने एकदम से 1 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए नहीं रखना है, चॉकलेट एकदम हार्ड हो जाएगी। आपने क्या करना है, 30 सेकेंड्स किया, फिर निकाला चम्मच से, आपने माइक्रोवेव में से निकाल के उस बॉल को, चॉकलेट को मिक्स किया, फिर दोबारा रखा 30 सेकेंड्स, दोबारा के इस तरह शॉर्ट बर्स्ट ऑफ, शॉर्ट 3 बर्स आप करिएगा उसमें, ठीक है। इसको ऐसे कहते हैं कि 3 दफ़ा करिएगा जब तक चॉकलेट अच्छी तरह पिघले नहीं। और देखें ये पिघल चुकी है चॉकलेट हमारी,
का चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम इसको मिल जाए ब्रेक पे जब हम जाएंगे, थोड़ा सा इसको हमें ठंडा करना है। गरम गरम अगर हम चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर अंडों में डाल देंगे तो आप सोचें फिर क्या होगा ना। चले चॉकलेट और ये हमने मिक्स करके रख दिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे अंडे बीट करने हैं। तो 2 अदद पूरे अंडे जाएंगे इसमें, और 2 जर्दियाँ। वो सफेदियों को फेंकिएगा नहीं, डब्बा बंद के डब्बा डब्बे में डाल के बंद करके रख दीजिएगा। यू कैन ऑलवेज यूज इट फॉर एनीथिंग द नेक्स्ट डे, ठीक है। ऑमलेट में डाल दीजिए, पेवलोवा बना दीजिए, मैक्रोन्स बना दीजिए, बिस्किट्स बना दें, बिस्किट्स के ऊपर ब्रश कर दें सफेदियों को, उससे क्रस्ट आ जाएगा बिस्किट पे। कुछ भी आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, फेंकिएगा नहीं कोई भी चीज़। किचन में सारी चीज़ें इस्तेमाल करते रहिएगा, कीप यूजिंग योर थिंग्स। अंडे आपने बीट करने हैं, 2 पूरे अंडे थे और 2 अदद एक्स्ट्रा जर्दियां थी। टेबलस्पून भर के आपने इसमें कैस्टर शुगर डालनी है थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। बीट करते जाइए और डालते जाइए। दो अदद अंडे, 2 अंडे की जर्दियाँ एक्स्ट्रा, ठीक है। और हमने इसमें डाला 10 टेबलस्पून चीनी, कैस्टर शुगर। अब हमें क्या करना है, छान के हमें इसमें मैदा डालना है और हमें इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर यहाँ है मेरे पास, 2¼ टीस्पून ये यहाँ हम डाल देते हैं, ऑल ऑफ द कॉर्नफ्लावर। चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर जब तक ठंडा हो रहा है ना तो हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। और फिर हम इसमें मैदा और कोको पाउडर डालेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ बोल नीचे रखते हैं ताकि जो ड्रिप हो तो काउंटर नहीं ख़राब हो। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आएंगे आपके सामने हम मैदा कोको पाउडर छान के डालेंगे, एसेंस डालेंगे, चॉकलेट और मक्खन डालेंगे, फिर उसको हम आधे आधे रैमेकिंस भरेंगे, बीच में ये पीनट बटर के छोटे बॉल्स जो मैंने बनाए हैं वो रखेंगे, फिर दोबारा ऊपर से बाकी बैटर डालेंगे, फ्रीज़ करेंगे थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 1/2 आवर, और फिर आपने उसको बेक करना है। आप रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए स्पेशल शो, पहला शो इस साल का फूड डायरीज का, ओनली ऑन मसाला टीवी। पीनट बटर लावा केक अज्जा, सादा मक्खन 8 खाने के चमचे, डार्क चॉकलेट 6 खाने के चमचे, पिसी चीनी 10 खाने के चमचे, अंडों की जर्दियां 2 अदद, अंडे 2 अदद, कोको पाउडर छना हुआ 1.5 कप, मैदा छना हुआ 5.5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर छना हुआ 2.5 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीनट बटर 4 खाने के चमचे, केले 2 अदद, आइसिंग शुगर गार्निशिंग के लिए, भुने बादाम गार्निशिंग के लिए, रसबेरी या स्ट्रॉबेरी गार्निशिंग के लिए, पुदीने के पत्ते गार्निशिंग के लिए। वेलकम बैक जी। अब कोको पाउडर हम डालेंगे, हम जो पीनट बटर लावा केक बना रहे हैं, रिकैप भी करती चलूं मैंने क्या किया था।
8 टेबल स्पून मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको मैंने एक पैन में डाल दिया। उसके साथ मैंने 6 टेबल स्पून डार्क कुकिंग चॉकलेट ली थी, चॉप करके या ग्रेट करके छोटे टुकड़ों में डाल दीजिएगा ताकि जल्दी से पिघल जाए। हल्की आंच पे हमने उसको पिघला दिया था और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा पिघल भी गई है और चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर ठंडा भी हो गया है। ठीक है, इसको हमने साइड में रख दिया। तब तक हमने क्या किया, एक बड़े से बोल में हमने 2 अदद पूरे अंडे डाले थे, 2 होल एग्स, और 2 जर्दियां अलग से भी डाली थी, और फिर हमने उनको अच्छी तरह बीट किया। फ्लफी हो गए अंडे, तो उसमें हमने चीनी डाली, घर की आम पिसी हुई जो चीनी होती है, कैस्टर शुगर 10 टेबल स्पून डाला और उसको हमने अच्छी तरह बीट किया। ठीक है, अब मैंने इसमें ब्रेक पे जाने से पहले 2.25 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाला था। अब मुझे मैदा इसमें डालना है जो कि है 5.5 टेबल स्पून, छान के डालेंगे हम, और हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे जो कि है 1.25 कप्स। कोको पाउडर मैं छान के इस्तेमाल करती हूँ, लम्स हो ही जाते हैं, जितना भी आप छान के डब्बा भर के रखते हैं फिर भी हो जाते हैं, तो यू वांट अ स्मूथ केक बैटर, तो प्लीज इस्तेमाल से पहले छान लीजिएगा। छान के रखते हैं तो हो ही जाते हैं, देखे ना कितने लम्स हो जाते हैं। 8 टेबल स्पून मक्खन था, 6 टेबल स्पून चॉकलेट थी, 2 अदद पूरे अंडे थे, 2 एक्स्ट्रा जर्दियां थी, 10 टेबल स्पून चीनी थी, 1.25 कप्स कोको पाउडर था, 5.5 टेबल स्पून मैदा था, छान के लीजिएगा, 2.25 टी स्पून कॉर्नफ्लावर था, और हम इसमें 1 टी स्पून वेनिला एसेंस अभी डालेंगे। देखा कितने सारे लम्स रह जाते हैं, बस ये छान लिया मैंने। शैला हैं कराची से, उनसे करते हैं बात। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम ज़रनक। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? ठीक ठाक। हैप्पी न्यू ईयर ज़रनक। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। थैंक यू जी। ओके, नए साल की खुशी में आपसे मुझे एक तोहफा चाहिए। अच्छा, क्या तोहफा? तोहफा ये है कि कल मेरी बर्थडे थी तो आप मुझे वो विश कर दें तो मेरे लिए वो तोहफा हो जाएगा। अच्छा, 31st को होती है आपकी बर्थडे, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे जी। थैंक यू ज़रनक, थैंक यू। और जो आपने लास्ट ईयर इतनी अच्छी कुकिंग की है वो हमें इतनी अच्छी लगी कि अब हम सरप्राइज होंगे कि आप नए साल की खुशी में और ज्यादा अच्छी अच्छी नई डिशेस हमें सिखाएंगी। जरूर जरूर, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। और ज़रनक, आज जो आप केक बना रही हैं वो भी बहुत जबरदस्त अभी तक तो लग रहा है, अब एंड पे देखेंगे उसका रिजल्ट क्या है, होपफुली कि बहुत ही अच्छा होगा एज यूजुअल जैसे आप बनाती हैं। थैंक यू सो मच ज़रनक, एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। जो लोग जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, और ये साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। थैंक यू ज़रनक। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ओके, 1 टीस्पून हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे। ये चला गया। और अब थोड़ा सा मिक्स कर देंगे चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर भी साथ साथ। इसमें आपने देखा कोई मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डाला था। प्लीज अब ये नहीं लिखिएगा कि उप्स व्हाट एम आई डूइंग कि मैं भूल गई। मैं भूल नहीं गई जी, लावा केक इज नॉट सपोज टू राइज। ठीक है, राइज नहीं करना है ना हमें, ये डेंस केक होता है जिसमें से अंदर से लावा या चॉकलेट या पीनट बटर या जो भी आपने डाला हो बीच में वो ऊज आउट होता है, तो प्लीज़ ये अपनी तरफ से बेकिंग पाउडर का वो नहीं कर दीजिएगा, वो नहीं जाएगा। साइडों से हमेशा इसको अंदर करते हैं, जो भी मिक्सचर हो बैटर में जो ड्राई चीज़ें होती हैं वो साइड में फिर रह जाती हैं। अगले हफ्ते भी हमारे साथ रहिएगा, बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ मैंने पूरे अगले हफ्ते भी प्लान की हुई हैं, और पूरे महीने इनफैक्ट बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं। कोई सजेशंस हो, कोई चीज़ आप देखना चाहें हमारे शो पे तो हमें ज़रूर लिखिएगा।
देखा आपने ये बैटर की कंसिस्टेंसी ज़रा देखिए, देखा ये इस तरह का होगा, ठीक है, पतला नहीं होगा ये। इस पे से भी हम छुरी की मदद से निकाल देते हैं। ये जो बीटर में चीज़ें फंस जाती हैं उनको फेंकिएगा नहीं, ठीक है, एक एक निवाला होता है ना, वो भी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं किया करें। इस तरह सब कुछ निकाल दिया करें, चॉकलेट भी है, कोको भी है, और मैं दोनों चॉकलेट और कोको पाउडर ना डार्क क्वालिटी के इस्तेमाल करती हूँ। लाइट भी कोको पाउडर मिलते हैं और मोस्टली मैं मिल्क चॉकलेट नहीं इस्तेमाल करती, मैं हमेशा डार्क ही इस्तेमाल करती हूँ। आपको पता है डार्क चॉकलेट अगर आप मतलब मॉडरेशन में खाएं, ऐसा नहीं कि सुबह दोपहर शाम जारनक ने बोला है तो, ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर से एंड रिसर्च सेज कि जब आप डार्क चॉकलेट खाते हैं इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट, मजाक के अलावा इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर हार्ट। डार्क चॉकलेट होनी चाहिए जिसमें 70-80% से ज़्यादा कोको सॉलिड्स हो ना, वो वाली, इट्स गुड फॉर योर हार्ट। इसीलिए तो मैं सुबह दोपहर शाम चॉकलेट खाती हूँ जनाब, नॉट रियली। अच्छा जी, अब इसको हम रखते हैं। रैमेकिंस को मुझे ग्रीस करना है, ये बहुत ज़्यादा रैमेकिंस है, इतने सारे में नहीं बनेंगे, पूरा डब्बा मैंने खोल दिया है आज। इसे पूरा निकालना है, ऑब्सेशन है कि पूरा बीटर साफ होना चाहिए, तो फिर अब ये ऑब्सेशन को पूरा करते हैं। चलें डन, ये वहाँ छोड़ के आते हैं और फिर हम जल्दी से यहाँ आए हुए हैं तो हम इसको ग्रीस भी कर लेते हैं। ब्रश लीजिएगा अच्छी तरह, ब्रश की मदद से पूरा इसको ग्रीस कर दीजिएगा रैमेकिन को। इनको कहते हैं रैमेकिन, ठीक है, ये कांच के सेरेमिक के बने होते हैं, इसी में भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको इसको नहीं ओवरटर्न करना है, निकालना नहीं है, तो गरम गरम ओवन में से सीधा इसी में सर्व करिए। जब तक मैं ये कर रही हूँ हमें जाना है नाजरीन ब्रेक पे, आप हमारे साथ रहिए। पीनट बटर लावा केक अच्छा सादा मक्खन 8 खाने के चमचे, डार्क चॉकलेट 6 खाने के चमचे, पिसी चीनी 10 खाने के चमचे, अंडों की जर्दियां 2 अदद, अंडे 2 अदद, कोको पाउडर छना हुआ 1.5 कप, मैदा छना हुआ 5.5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर छना हुआ 2.5 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीनट बटर 4 खाने के चमचे, केले 2 अदद, आइसिंग शुगर गार्निशिंग के लिए, भुने बादाम गार्निशिंग के लिए, रसबेरी या स्ट्रॉबेरी गार्निशिंग के लिए, पुदीने के पत्ते गार्निशिंग के लिए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2015। आई होप ये साल सबके लिए अच्छा गुजरे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। पीनट बटर लावा केक का जो बैटर था वो हम रेडी कर चुके हैं, और मुझे क्या करना है, मुझे इसमें बैटर डालना है इस तरह। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज दिस हैज़ टू गो इन आर अवन ऑल्सो देन बिफोर द फ्रीज़र में। पहले ये देखें, ये एक पीनट बटर का बॉल बनाया था, उसको हम बीच में ऐसे रखेंगे, अब हाथ से ही करना पड़ेगा, और इसके ऊपर हम इसको कवर कर देंगे। अब हमारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन जब आप बनाइए घर में तो प्लीज़ इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा, ठीक है, इस स्टेज पे। फिर दोबारा बैटर डालिएगा, फिर सीधा अवन में। अब मैं फ़ौरन कर लूँगी बिकॉज देर इज़ नो टाइम देन। पीनट बटर का बॉल बना के इस तरह बीच में, Thank you.
ओके अभी हम 6 बनाते हैं बिकॉज मुझे इसके ऊपर कवर करने के लिए भी थोड़ा थोड़ा चाहिए ना ये. नाउ रिमेनिंग बैटर विल गो ऑन टॉप. ठीक है आप लोग प्लीज टाइम दीजिएगा इसको स्टेप्स में करिएगा. ठीक है जल्दी नहीं करिएगा. बैटर बना के ठंडा करके बीच में एक फ्रोजन बॉल ऑफ पीनट बटर लाजमी है. अगर फ्रोजन होगा तो वो ऐसे ही फ्रोजन रहेगा बिकॉज कम टाइम के लिए हम इसको बेक करेंगे. राइट अब इसके ऊपर मुझे सिर्फ डालना है थोड़ा थोड़ा टू कवर द पीनट बटर वाला हिस्सा. समझ आ रहा है ना. इट्स सिंपल जस्ट फॉलो द प्रोसीजर जैसे मैंने आपको सिखाया है. अब ये मैं फ्रीजर में रख दूंगी. ठीक है पहले फिर बेक करेंगे. And the last one. और I think एक और बन जाएगा without the peanut butter. Because I don't want to waste this batter here, जो ये हमारे पास बोल में है पड़ा हुआ. कोई भी चीज जाया नहीं किया करें. ठीक है अब कैसे याद रहेगा इसमें नहीं है पीनट बटर. किसको याद रहेगा. कोई निशानी रखनी पड़ेगी बोल पे. चले डन इसको हम हटा देते हैं यहां से और इसको हम पॉप इन आवर फ्रीजर. ठीक है नहीं मैं हाँ ना इसलिए तो नहीं गई ना ही क्योंकि फ्रीजर में कुछ चीजें होंगी मैं ऐसे कैसे उठा के रखूंगी ना. यू सी हाउ विल आई पुट इट एक हाथ से ना. तो अभी मैं अभी करूं कहाँ से उठाऊं. इतना भारी है ये यार. सीरियसली यार तुम लोग ठीक है जी. अब मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया है. अब इसको एटलीस्ट आप 30 मिनट के लिए फ्रीज होने दीजिएगा. बिल्कुल ठंडा बैटर हो बीच में जो पीनट बटर का जो हमने बॉल बनाया था वो भी जितना फ्रोजन हो सके फ्रीजर में से निकाल के फौरन डाल दीजिएगा और फिर आप इसको बेक करिएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 8 से 10 मिनट. ज़्यादा बेक करेंगे तो क्या होगा कि वो जो पीनट बटर का जो अंदर का जो बॉल है वो एकदम वो सही तरह वो लावा नहीं निकलेगा वो और ओवर बेक सा हो जाएगा. ठीक है ड्राई आउट सा हो जाएगा. आई होप आपको समझ आ गया होगा. फिर भी एक दफ़ा फिर हम पूरा इसका रिकैप करते हैं आराम से. हम बैठ के आपको मैं समझाती हूँ कि मैंने किस तरह ये लावा केक बनाया था जो पीनट बटर फिलिंग के साथ है. मैंने 8 टेबल स्पून फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था उसको मैंने एक पैन में डाला. फिर मैंने उसमें 6 टेबल स्पून डार्क कुकिंग चॉकलेट ली थी. चॉप करके लीजिएगा ताकि जल्दी से पिघल जाए. बिल्कुल हल्की आंच पे आपने चॉकलेट को और मक्खन को पिघलने दिया. डबल बॉयलर पे मैंने क्यों नहीं रखा था चॉकलेट. वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डबल बॉयलर पे रखा करें. अगर चॉकलेट अकेली एक अज्जा हो तो फिर सही है वरना अगर उसके साथ कोई और अज्जा हो तो फिर यू हैव टू यूज़ अ डबल बॉयलर. अकेला हो तो डबल बॉयलर. ठीक है फिर हमने एक बोल लिया उसमें हमने 2 पूरे अंडे बीट किए और 2 अदद जर्दियाँ एक्स्ट्रा डाल दी. फिर उसमें हमने 10 टेबल स्पून कैस्टर शुगर डाला और हमने 1/4 कप कोको पाउडर डाला छान के. मैदा हमने डाला है 5.5 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर हमने 2.25 टीस्पून डाल के 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डाल के अच्छी तरह मिक्स किया. बैटर जब थिक गाढ़ा सा हो गया तो फिर हमने रैमेकिन लिए थे छोटे ग्लास के सेरेमिक के जो मोल्स होते हैं उसको
अच्छी तरह उसको ग्रीस किया, हमने वो बैटर डाला, उसके बीच में हमने पीनट बटर लिया था, 4-5 टेबलस्पून टोटल यूज हुआ था, छोटे छोटे उसके बॉल्स बना दीजिएगा टीस्पून से और फ्रीजर में रख दीजिएगा एक प्लेट पे। फिर जब आप ये बैटर बना लें, फिर फ्रीजर में से निकाल के वो बॉल्स को अंदर बीच में रखिएगा केक के बीच में, ठीक है। फिर दूसरा बकिया बैटर ऊपर डाल दीजिएगा और फिर उसको आप आधा घंटा फ्रीज कर दीजिए और फिर आप निकालिए। खाना खा रहे हों और आप बैठे हुए हों, खाना खा चुके हैं, तो फिर आप निकाल के अवन में डाल दीजिए और गर्मा गर्म लावा केक पीनट बटर ऊजिंग आउट सर्व करिए बनाना आइसक्रीम के साथ, जो आज की है दूसरी रेसिपी। आई होप आपको समझ आ गया होगा और हम जब डेकोरेट करेंगे सर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। हम जा रहे हैं नाजरीन ब्रेक पे, आप ब्रेक से आके फिर हमसे सीखेंगे बनाना आइसक्रीम कैसे बनाते हैं फूड डायरीज में। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। बनाना आइसक्रीम अज्जा, केले पके हुए 2 अदद, चीनी 7 खाने के चमचे, दूध 150 मिलीलीटर, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, क्रीम 150 मिलीलीटर। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारे पीनट बटर लावा केक्स फ्रीजर में हैं अवन में जाने से पहले, तो हम ज़रा बनाना आइसक्रीम बना देंगे। आप सोचेंगे बनाना आइसक्रीम, लेकिन ये पीनट बटर के केक्स के साथ बहुत अच्छा जाता है, वैसे भी आप खा सकते हैं। और पहले इसमें ऑफ कोर्स बनानास जाएंगे, 2 अदद राइप बनानास डालिएगा। ठीक है जी, और फिर आपने इसमें चीनी डालनी है, दूध है, वेनिला एसेंस है और क्रीम है। सारे अज्जा डाल के बस आपने इसको ब्लेंड कर देना है, सिंपल एज दैट। ओवरनाइट फ्रीज कर दीजिएगा, एक रात में हो जाएगा अच्छी तरह फ्रीज। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको एक ऐसे डब्बे में रखना है एयर टाइट जो हो, और निकाल के थोड़ी देर के बाद, 4-6 घंटों के बाद, आपने उसको कांटे से मिक्स कर देना है। जैसे मैं पहले आपको हमेशा बता चुकी हूँ कि आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं हो। आप लोग हमेशा सवाल करते हैं कि हमारे आइसक्रीम में क्रंच आ जाता है, एकदम वो बर्फ़ बर्फ़ सा मुंह में आता है, तो वो कैसे आप अवॉइड करेंगे। इस तरह के आपको एयरटाइट डब्बे मिल जाते हैं मार्केट में, एयरटाइट डब्बे लाइए जिसका ढक्कन टाइट हो, और फिर आप उसको आइसक्रीम को रखिए, 3-4 घंटे बाद निकालिएगा तो आप देखेंगे कि साइडों पे से आइसक्रीम जमना शुरू हो गई है, बीच में से वो अभी लिक्विडी है। तो आप कांटे से उसको पूरा खुरच दीजिए, फिर दोबारा रखिए। इस तरह 2-3 दफ़ा आप करेंगे ना तो उससे आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे, ठीक है जी। ओके, तो 2 अदद केले हमने डाले और हमने 7 टेबलस्पून इसमें चीनी डालनी है। फिर हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। आप इसमें बनाना एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डालिएगा बिकॉज वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है। दूध इसमें जाएगा 1/2 कप जितना, और एक पूरा मैंने टेट्रा पैक डाला है क्रीम का। और इसको आपने ब्लेंड कर देना है, सिंपल एज दैट। अच्छा सा आइसक्रीम रेडी हो जाता है नो टाइम। महक है गुजरावाला से, उनसे करते हैं हम बात। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। हैप्पी न्यू ईयर, और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी। पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी और आपकी पूरी टीम को, कि अल्लाह ताला ये साल हम सबके लिए बहुत खुश और खुर्रम रखे। थैंक यू जी, आप सबके लिए भी इंशाल्लाह, आमीन। और दूसरी बात ये कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, बेकिंग इतनी पसंद करते हैं हमारे घर वाले आपकी, जिसका मतलब के सब घर वाले बहुत शौक से आपका शो देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। रेसिपीज ट्राई करती रहिएगा, हमारे साथ साथ रहिएगा इस साल भी, ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं बल्कि आपकी बेकिंग की सारी रेसिपीज ट्राई करती हूँ। वाकई? और खास तौर पे केक्स जो है,
ओके ठीक है जी, मुझे असल में बेकिंग का बहुत शौक है। अच्छा। और मैं आपसे फरमाइश करना चाहती हूँ कि आप जो है ना चॉकलेट के डिजर्ट से खाएं, इजी से जो हों झटपट बन जाएं। और दूसरी बात ये कि मिल्क चॉकलेट से सिखाएं, कुकिंग चॉकलेट जो है वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। मिल्क चॉकलेट से आप बना नहीं सकेंगी बहुत सारी चीजें। मिल्क चॉकलेट में वो कोको सॉलिड्स नहीं होते हैं जो डार्क कुकिंग चॉकलेट में होती है। वैसे आजकल ऑनलाइन बेकिंग सप्लाई स्टोर्स हैं जो आपको पाकिस्तान में कहीं भी पहुंचा सकेंगे चॉकलेट, ठीक है। ओके और कोशिश करें कि आप कोको पाउडर से भी आज हमने कोको पाउडर भी तो डाला ना। नहीं, मैं कोको पाउडर से भी करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीजों में कोको पाउडर के अलावा चॉकलेट भी डलती है। चॉकलेट जैसे मैंने पहले ही कहा, 5 किलो के बार्स 2 किलो के बार्स मंगा के रख दीजिए, थोड़े से डिलीवरी चार्जेस होते हैं, घर तक आपका सारा ये बेकिंग सप्लाईज का माल सारा आपका घर पहुंच जाएगा, ठीक है। ट्राई करिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शो रिपीट कब होगा? हमारा शो सुबह 10 बजे रिपीट होता है। ओके थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, 2 अदद केले डाले हम बनाना आइसक्रीम बना रहे हैं। 7 टेबलस्पून हमने पिसी हुई चीनी डाली कैस्टर शुगर, और हमने 1/2 कप दूध डाला, 1 पूरा टेट्रापैक क्रीम का डाल दिया, और वैसे 200 मिलीलीटर्स का एक टेट्रापैक आता है, मैंने यहाँ 150 लिखा है, लेकिन वो इतना थोड़ा सा कौन वेस्ट करता, तो मैंने क्रीम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल दिया, और आपने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। चेक करते हैं खोल के कि केले के टुकड़े नहीं हों इसमें। ओके रेडी, दैट्स इट, सिंपल बनाना आइसक्रीम तैयार हो चुका है जी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले तो डब्बे में डाल के फ्रीजर में रखेंगे। और फ्रीजर से याद आया कि जो हमारे पीनट बटर लावा केक्स हैं उनको भी तो निकालना है ना फ्रीजर में से, अवन में भी तो डालना है ना, तो हम वो भी करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया पूरा का पूरा ब्लेंड, अच्छी तरह होना चाहिए, फ्रूट के टुकड़े नहीं रहने चाहिए वरना उससे भी आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। और इसको बंद करते हैं, इसको हम करते हैं फ्रीजर में रख देते हैं, और मैं बना के भी लाई हूँ आपके लिए। आप ये नहीं समझिएगा कि अभी तो ये फ्रीज नहीं होगा तो कैसे, तो फिर हम बना के लाए हैं आपके लिए। आज हमने होमवर्क भी किया था और वो छोटे छोटे स्कूप्स में निकाल के हमने फ्रीजर में भी रखा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। चले ये देखें, बनाना आइसक्रीम इज एब्सोल्युटली रेडी, ठीक है। इसको आप चॉकलेट सॉस के साथ या मज़े का कैरमल सॉस जो आता है ना, बटर स्कॉच सॉस, उसके साथ आप सर्व करेंगे तो बहुत मज़े का ये लगेगा। वैसे स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ भी अच्छा लगेगा। इसको वापस पॉप इन कर देते हैं फ्रीजर में, और जो हमारे रैमेकिंस ठंडे हो रहे हैं उनको हम ज़रा इसमें निकालते हैं और अवन में डालने की तैयारी करते हैं। इसको भी बेक कर देते हैं, इसको क्यों ज़ाया करें। इसको अवन में रखते हैं, इसको फ्रीजर में बनाना आइसक्रीम को रख देते हैं। ओके जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा आइसक्रीम कैसे बनाया, बनाना आइसक्रीम बना आज हमारे शो पे, और पीनट बटर लावा केक बना, अंदर से पीनट बटर निकलेगा, ठीक है, लावा केक में से। अब हम जा रहे हैं रेसिपी रिकैप की तरफ, आपने कहीं नहीं जाना है। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारा शो और नोट कर दीजिए अपनी डायरीज में भी। और इसी के साथ छोटी सी ब्रेक।
पीनट बटर लावा केक अच्छा सादा मक्खन 8 खाने के चमचे, डार्क चॉकलेट 6 खाने के चमचे, पिसी चीनी 10 खाने के चमचे, अंडों की जर्दियां 2 अदद, अंडे 2 अदद, कोको पाउडर छना हुआ 1.5 कप, मैदा छना हुआ 5.5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर छना हुआ 2.5 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीनट बटर 4 खाने के चमचे, केले 2 अदद, आइसिंग शुगर गार्निशिंग के लिए, भुने बादाम गार्निशिंग के लिए, रसबेरी या स्ट्रॉबेरी गार्निशिंग के लिए, पुदीने के पत्ते गार्निशिंग के लिए। तरकीब 8 खाने के चमचे सादा मक्खन और 6 खाने के चमचे डार्क चॉकलेट डबल बॉयलर पर पिघला लें, फिर 10 खाने के चमचे पिसी चीनी, 2 अदद अंडों की जर्दियां, 2 अंडे, 2.5 कप कोको पाउडर, 5.5 खाने के चमचे मैदा, 2.5 चाय के चमचे कॉर्नफ्लावर और 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस एक साथ अच्छी तरह फेंट लें, फिर इसमें पिघली चॉकलेट वाला अमेजा मिलाएं, तैयार अमेजा आधा अलग करें और बकिया अमेजा 6 छोटे सांचों में डालकर 30 मिनट के सेट होने तक फ्रीजर में रख दें। अब पीनट बटर से 6 छोटे गेंद तैयार कर लें, जब केक जम जाए तो एक एक गेंद पर सांचे में रखकर ऊपर चॉकलेट वाला बकिया अमेजा डाल दें, फिर 30 मिनट यह सेट होने तक फ्रीजर में रख दें। अवन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके जमे हुए चॉकलेट केक 8 मिनट बेक कर लें, फिर अवन से निकालकर मिनट भर ठंडा होने दें। सर्व करने के लिए पीनट बटर लावा केक पर आइसिंग शुगर छिड़क कर 1 स्कूप बनाना आइसक्रीम और रसबेरी या स्ट्रॉबेरी और पुदीने की पत्तियों या भुने बादाम से गार्निश करें। बनाना आइसक्रीम अज्जा, केले पके हुए 2 अदद, चीनी 7 खाने के चमचे, दूध 150 मिलीलीटर, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, क्रीम 150 मिलीलीटर। तरकीब 2 पके केले और 7 खाने के चमचे चीनी ब्लेंड कर लें, फिर इसमें 150 मिलीलीटर दूध, 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस और 150 मिलीलीटर क्रीम डालकर दोबारा ब्लेंड कर लें। तैयार अमेजा एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रीजर में रख दें। आधा चमचाने पर कांटे की मदद से फेंटे ताकि बर्फ के क्रिस्टल ना बने। वेलकम बैक जी। अब देखे मैंने यहाँ लावा केक्स निकाल दिए थे, बस 8 से 10 मिनट से ज्यादा आप बेक नहीं करिएगा, वरना क्या होगा कि वो लावा ऊज आउट नहीं होगा। और यहाँ आपको नजर भी आ रहा है पीनट बटर अंदर से निकल रहा है और मैंने उसको उल्टा कर दिया था और निकाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास आइसिंग शुगर है, इसको हम छिड़केंगे इस तरह ऊपर लावा केक के ऊपर, ठीक है। और जो हमने बनाना आइसक्रीम बनाया था उसको भी हम यहाँ रख देते हैं इन अ नाइस लिटिल बोल। और मैं सोच रही हूँ कि एक मैं आपको काट के दिखाऊं, जो बादाम है वो आप ऊपर डाल दीजिए, और बनानास भी आप स्लाइस में, बनाना सोच रही थी आइसक्रीम के साथ स्लाइस करके रख देती, और इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मिंट आल्सो, बट आई एम नॉट एडिंग। अच्छा, थोड़ा सा आप इसके साथ स्ट्रॉबेरी सॉस भी डाल सकते हैं, जस्ट टू मेक इट लुक नाइस एंड कलरफुल, ऐसे ही ड्रिजल कर दीजिए। अच्छा चलें, आपकी फरमाइश पे आइसक्रीम पे भी। और मुझे ये लावा एक कट करके दिखाना है, कैन आई डू सो? मैं दिखाना चाह रही हूँ जो लावा पीनट बटर निकल रहा है, ये वाला करूं ताकि नजर आए, ये वाला। ये देखें, ये मैंने तोड़ दिया खास ताकि आप लोगों को नजर आए, ठीक है जी। बनाना आइसक्रीम रेडी है और पीनट बटर लावा केक रेडी है, पहला शो इस साल का। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप ट्राई जरूर करिएगा दोनों रेसिपीज, मुझे फीडबैक दीजिएगा। आइसक्रीम इज एब्सोल्युटली लवली, क्या बनाना का फ्लेवर है। अगर आप चाहें तो आप वेनिला एसेंस की जगह बनाना एसेंस के चंद कतरे डालिएगा जरूर, और अगर कोई रंग भी डालना हो तो, लेकिन ऐसे ही सही है, ये जो नेचुरल होता है ना यही सही होता है, यही अच्छा लग रहा है। जरूर ट्राई करिएगा रेसिपीज, हमारे साथ रहिएगा। आज का शो कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, देखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ एक बार फिर विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, अच्छा साल गुजरे सबके लिए, हम सबके लिए भी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, जाते जाते याद दिलाते चलूं कि मसाला है तो खाने में है मजा। अल्लाह हाफिज।
मसाला है तो खाने में है मजा। कि इस तरह शॉर्ट थ्री बर्स्ट आप करिएगा उसमें, ठीक है। इसको ऐसे कहते हैं कि तीन दफा करिएगा जब तक चॉकलेट अच्छी तरह पिघले नहीं। और देखें ये पिघल चुकी है चॉकलेट हमारी, इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम इसको मिल जाए ब्रेक पे जब हम जाएंगे, थोड़ा सा इसको हमें ठंडा करना है। गरम गरम अगर हम चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर अंडों में डाल देंगे तो आप सोचें फिर क्या होगा ना। चले चॉकलेट और ये हमने मिक्स करके रख दिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे अंडे बीट करने हैं। तो दो अदद पूरे अंडे जाएंगे इसमें, और दो जर्दियां। वो सफेदियों को फेंकिएगा नहीं, डब्बा बंद के डब्बा डब्बे में डाल के बंद करके रख दीजिएगा। यू कैन ऑलवेज यूज इट फॉर एनीथिंग द नेक्स्ट डे, ठीक है। ऑमलेट में डाल दीजिए, पेवलोवा बना दीजिए, मैक्रून्स बना दीजिए, बिस्किट्स बना दें, बिस्किट्स के ऊपर ब्रश कर दें सफेदियों को, उससे क्रस्ट सा आ जाएगा बिस्किट पे। कुछ भी आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, फेंकिएगा नहीं कोई भी चीज़। किचन में सारी चीज़ें इस्तेमाल करते रहिएगा, कीप यूजिंग योर थिंग्स। अंडे आपने बीट करने, दो पूरे अंडे थे और दो अदद एक्स्ट्रा जर्दियां थी। दस टेबल स्पून भर के आपने इसमें कैस्टर शुगर डालनी है थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। बीट करते जाइए और डालते जाइए। दो अदद अंडे, दो अंडे की जर्दियाँ एक्स्ट्रा, ठीक है। और हमने इसमें डाला 10 टेबल स्पून चीनी, कैस्टर शुगर। अब हमें क्या करना है, छान के हमें इसमें मैदा डालना है और हमें इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर यहाँ है मेरे पास 2 1/4 टीस्पून, ये यहाँ हम डाल देते हैं ऑल ऑफ द कॉर्नफ्लावर। चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर जब तक ठंडा हो रहा है ना तो हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। और फिर हम इसमें मैदा और कोको पाउडर डालेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ बोल नीचे रखते हैं ताकि जो ड्रिप हो तो काउंटर नहीं ख़राब हो। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आएंगे आपके सामने हम मैदा कोको पाउडर छान के डालेंगे, एसेंस डालेंगे, चॉकलेट और मक्खन डालेंगे, फिर उसको हम आधे आधे रैमेकिंस भरेंगे, बीच में ये पीनट बटर के छोटे बॉल्स जो मैंने बनाए हैं वो रखेंगे, फिर दोबारा ऊपर से बाकी बैटर डालेंगे, फ्रीज करेंगे थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर, और फिर आपने उसको बेक करना है। आप रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए स्पेशल शो, पहला शो इस साल का फूड डायरीज का, ओनली ऑन मसाला टीवी। पीनट बटर लावा केक अज्जा, सादा मक्खन 8 खाने के चमचे, डार्क चॉकलेट 6 खाने के चमचे, पिसी चीनी 10 खाने के चमचे, अंडों की जर्दियां 2 अदद, अंडे 2 अदद, कोको पाउडर छना हुआ 1.5 कप, मैदा छना हुआ 5.5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर छना हुआ 2.5 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीनट बटर 4 खाने के चमचे, केले 2 अदद, आइसिंग शुगर गार्निशिंग के लिए, भुने बादाम गार्निशिंग के लिए, रसबेरी या स्ट्रॉबेरी गार्निशिंग के लिए, पुदीने के पत्ते गार्निशिंग के लिए। Thank you.
वेलकम बैक जी. अब कोको पाउडर हम डालेंगे. हम जो पीनट बटर लावा केक बना रहे हैं, रिकैप भी करती चलूं, मैंने क्या किया था. 8 टेबलस्पून मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको मैंने एक पैन में डाल दिया. उसके साथ मैंने 6 टेबलस्पून डार्क कुकिंग चॉकलेट ली थी. चॉप करके या ग्रेट करके छोटे टुकड़ों में डाल दीजिएगा ताकि जल्दी से पिघल जाए. हल्की आंच पे हमने उसको पिघला दिया था और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा पिघल भी गई है और चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर ठंडा भी हो गया है. ठीक है, इसको हमने साइड में रख दिया. तब तक हमने क्या किया, एक बड़े से बोल में हमने 2 अदद पूरे अंडे डाले थे, 2 होल एग्स, और 2 जर्दियाँ अलग से भी डाली थी. और फिर हमने उनको अच्छी तरह बीट किया. फ्लफी हो गए अंडे तो उसमें हमने चीनी डाली, घर की आम पिसी हुई जो चीनी होती है. कैस्टर शुगर 10 टेबलस्पून डाला और उसको हमने अच्छी तरह बीट किया. ठीक है, अब मैंने इसमें ब्रेक पे जाने से पहले 2.25 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाला था. अब मुझे मैदा इसमें डालना है जो कि है 5.5 टेबलस्पून. छान के डालेंगे हम और हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे जो कि है 1.25 कप्स. कोको पाउडर मैं छान के इस्तेमाल करती हूँ, लम्स हो ही जाते हैं जितना भी आप छान के डब्बा भर के रखते हैं फिर भी हो जाते हैं. तो यू वांट अ स्मूथ केक बैटर तो प्लीज इस्तेमाल से पहले छान लीजिएगा. छान के रखते हैं तो हो ही जाते हैं, देखें ना कितने लम्स हो जाते हैं. 8 टेबलस्पून मक्खन था, 6 टेबलस्पून चॉकलेट थी, 2 अदद पूरे अंडे थे, 2 एक्स्ट्रा जर्दियाँ थीं, 10 टेबलस्पून चीनी थी, 1.25 कप्स कोको पाउडर था, 5.5 टेबलस्पून मैदा था, छान के लीजिएगा, 2.25 टीस्पून कॉर्नफ्लावर था और हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस अभी डालेंगे. देखा कितने सारे लम्स रह जाते हैं, बस ये छान लिया मैंने. शैला है कराची से, उनसे करते हैं बात. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम ज़रनक. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक. हैप्पी न्यू ईयर ज़रनक. हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल. थैंक यू जी. ओके, नए साल की खुशी में आपसे मुझे एक तोहफा चाहिए. अच्छा, क्या तोहफा? तोहफा ये है कि कल मेरी बर्थडे थी तो आप मुझे वो विश कर दें तो मेरे लिए वो तोहफा हो जाएगा. अच्छा, 31st को होती है आपकी बर्थडे, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे जी. थैंक यू ज़रनक, थैंक यू. और जो आपने लास्ट ईयर इतनी अच्छी कुकिंग की है वो हमें इतनी अच्छी लगी कि अब हम सरप्राइज होंगे कि आप नए साल की खुशी में और ज्यादा अच्छी अच्छी नई डिशेज हमें सिखाएंगी. जरूर जरूर, हमारे साथ रहिएगा. थैंक यू सो मच. और ज़रनक, आज जो आप केक बना रही हैं वो भी बहुत जबरदस्त अभी तक तो लग रहा है. अब एंड पे देखेंगे उसका रिजल्ट क्या है. होपफुली केक बहुत ही अच्छा होगा एज यूजुअल जैसे आप बनाती हैं. थैंक यू सो मच ज़रनक एंड हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. जो लोग जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो और ये साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए. थैंक यू ज़रनक. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. ओके, 1 टीस्पून हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे. ये चला गया. और अब थोड़ा सा मिक्स कर देंगे चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर भी साथ साथ. इसमें आपने देखा कोई मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डाला था. प्लीज अब ये नहीं लिखिएगा कि उप्स व्हाट एम आई डूइंग कि मैं भूल गई. मैं भूल नहीं गई जी. लावा केक इज नॉट सपोज टू राइज. ठीक है, राइज नहीं करना है ना हमें. ये डेंस केक होता है जिसमें से अंदर से लावा या चॉकलेट या पीनट बटर या जो भी आपने डाला हो बीच में वो ऊज आउट होता है. तो प्लीज ये अपनी तरफ से बेकिंग पाउडर का वो नहीं कर दीजिएगा, वो नहीं जाएगा. साइडों से हमेशा इसको अंदर करते हैं. जो भी मिक्सचर हो बैटर में जो ड्राई चीजें होती हैं वो साइड में फिर रह जाती हैं. अगले हफ्ते भी हमारे साथ रहिएगा. बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ मैंने पूरे अगले हफ्ते भी प्लान की हुई हैं और पूरे महीने इनफैक्ट बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं. कोई सजेशंस हो, कोई चीज़ आप देखना चाहें हमारे शो पे तो हमें ज़रूर लिखिएगा.
देखा आपने, ये बैटर की कंसिस्टेंसी ज़रा देखिए, देखा ये इस तरह का होगा, ठीक है, पतला नहीं होगा ये। इस पे से भी हम छुरी की मदद से निकाल देते हैं, ये जो बीटर में चीज़ें फंस जाती हैं उनको फेंकिएगा नहीं, ठीक है, एक एक निवाला होता है ना, वो भी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं किया करें। इस तरह सब कुछ निकाल दिया करें के बीच में एक फ्रोजन बॉल ऑफ पीनट बटर लाजमी है। अगर फ्रोजन होगा तो वो ऐसे ही फ्रोजन रहेगा, बिकॉज कम टाइम के लिए हम इसको बेक करेंगे, राइट। अब इसके ऊपर मुझे सिर्फ डालना है थोड़ा थोड़ा टू कवर द पीनट बटर वाला हिस्सा, समझ आ रहा है ना, इट्स सिंपल, जस्ट फॉलो द प्रोसीजर जैसे मैंने आपको सिखाया है। अब ये मैं फ्रीजर में रख दूंगी, ठीक है, पहले फिर बेक करेंगे। And the last one. और I think एक और बन जाएगा without the peanut butter, because I don't want to waste this batter here, जो ये हमारे पास बोल में है पड़ा हुआ। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं किया करें, ठीक है। अब कैसे याद रहेगा इसमें नहीं है पीनट बटर, किसको याद रहेगा, कोई निशानी रखनी पड़ेगी बोल पे। चले डन, इसको हम हटा देते हैं यहाँ और इसको हम पॉप इन आवर फ्रीजर, ठीक है। नहीं मैं, हाँ ना, इसलिए तो नहीं गई ना, क्योंकि फ्रीजर में कुछ चीज़ें होंगी, मैं ऐसे कैसे उठा के रखूँगी ना। यू सी हाउ विल आई पुट इट एक हाथ से ना, तो अभी मैं अभी करूँ कहाँ से उठाऊँ, इतना भारी है ये यार, सीरियसली यार तुम लोग। ठीक है जी, अब मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया है, अब इसको एटलीस्ट आप 30 मिनट के लिए फ्रीज होने दीजिएगा, बिल्कुल ठंडा बैटर हो, बीच में जो पीनट बटर का जो हमने बॉल बनाया था वो भी जितना फ्रोजन हो सके फ्रीजर में से निकाल के फौरन डाल दीजिएगा, और फिर आप इसको बेक करिएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 8 से 10 मिनट। ज़्यादा बेक करेंगे तो क्या होगा कि वो जो पीनट बटर का जो अंदर का जो बॉल है वो एकदम वो सही तरह वो लावा नहीं निकलेगा, वो ओवर बेक सा हो जाएगा, ठीक है, ड्राई आउट सा हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी एक दफ़ा फिर हम पूरा इसका रिकैप करते हैं आराम से, हम बैठ के आपको मैं समझाती हूँ कि मैंने किस तरह ये लावा केक बनाया था जो पीनट बटर फिलिंग के साथ है। मैंने 8 टेबल स्पून पीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको मैंने एक पैन में डाला, फिर मैंने उसमें 6 टेबल स्पून डार्क कुकिंग चॉकलेट ली थी, चॉप करके लीजिएगा ताकि जल्दी से पिघल जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने चॉकलेट को और मक्खन को पिघलने दिया। डबल बॉयलर पे मैंने क्यों नहीं रखा था चॉकलेट, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डबल बॉयलर पे रखा करें, अगर चॉकलेट अकेली एक अज्जा हो तो फिर सही है, वरना अगर उसके साथ कोई और अज्जा हो तो फिर यू हैव टू यूज़ अ डबल बॉयलर, अकेला हो तो डबल बॉयलर, ठीक है। फिर हमने एक बोल लिया, उसमें हमने 2 पूरे अंडे बीट किए और 2 अदद जर्दियाँ एक्स्ट्रा डाल दी, फिर उसमें हमने 10 टेबल स्पून कैस्टर शुगर डाला और हमने 1/4 कप कोको पाउडर डाला छान के। मैदा हमने डाला है 5.5 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर हमने 2.25 टीस्पून डाल के 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डाल के अच्छी तरह मिक्स किया। बैटर जब थिक गाढ़ा सा हो गया तो फिर हमने रैमेकिन्स लिए थे छोटे ग्लास के सेरेमिक के जो मोल्ड्स होते हैं उसको,
अच्छी तरह उसको ग्रीस किया, हमने वो बैटर डाला, उसके बीच में हमने पीनट बटर लिया था, 4-5 टेबलस्पून टोटल यूज हुआ था, छोटे छोटे उसके बॉल्स बना दीजिएगा टीस्पून से और फ्रीजर में रख दीजिएगा एक प्लेट पे। फिर जब आप ये बैटर बना लें, फिर फ्रीजर में से निकाल के वो बॉल्स को अंदर बीच में रखिएगा केक के बीच में, ठीक है। फिर दूसरा बकिया बैटर ऊपर डाल दीजिएगा और फिर उसको आप आधा घंटा फ्रीज कर दीजिए और फिर आप निकालिए। खाना खा रहे हों और आप बैठे हुए हों, खाना खा चुके हैं, तो फिर आप निकाल के अवन में डाल दीजिए और गर्मा गर्म लावा केक पीनट बटर ऊजिंग आउट सर्व करिए बनाना आइसक्रीम के साथ, जो आज की है दूसरी रेसिपी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फूड डायरीज। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट टू यू इन 2015। आज हम क्या बनाएंगे जी, ऐसा दिन है तो हम कुछ मीठा ही बनाएंगे। हम आज बनाना आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे। आप सोचेंगे इतनी सर्दी में ज़रनक ये क्या आइसक्रीम बनाएगी, तो जी हाँ, मज़े का ये झटपट तैयार होने वाला बनाना आइसक्रीम है। उसको सर्व करेंगे हम लावा केक के साथ। बहुत फरमाइश थी लावा केक की, तो आज हम पीनट बटर लावा केक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें अंदर छोटे छोटे पीनट बटर के बॉल्स हम बना के रखेंगे और फिर हम वो बैटर को फ्रीजर में रखेंगे और फिर हम उसको बेक करेंगे। तो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा, बनाइएगा, मज़े का ये मीठा है। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन यू हैव टू फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप। यहाँ मैंने सिर्फ पीनट बटर, जो भी आप लें, क्रीमी वाला लें या चंकी वाला लें, दो एग्जाम के मिलते हैं आजकल मार्केट में। क्रीमी यानी कि बिल्कुल पिसा हुआ, अच्छा फाइन स्मूथ पिसा हुआ होता है, और दूसरा होता है चंकी, यानी कि उसमें पीसेज होते हैं मूँगफली के। जो भी आपको जो भी चाहिए इस्तेमाल करिए। उसके मैंने बॉल्स बना के यहाँ रख दिए हैं। और हम क्या करेंगे, हम बैटर बनाएंगे केक का, उसको रैमकिन्स में रखेंगे, फिर उसके अंदर हम एक एक पीनट बटर का ये बॉल रखेंगे, फिर दूसरा बैटर से कवर करके उसको हम अवन में रख देंगे। लेकिन उससे पहले हमें उसको फ्रीज़ करना है। ये आप फ्रीज़ करेंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और आपको पता है लावा केक ज़्यादा हम बेक नहीं करते हैं, फ्यू मिनट्स इन द अवन, बट ये प्रोसेस ज़रा थोड़ा लंबा है। अगर आपने उसको ओवर बेक कर दिया तो क्या होगा कि लावा केक नहीं बनेगा, फिर ये बन जाएगा एक कप केक, उतना ही मजे का होगा लेकिन वो लावा उज आउट नहीं होगा, इन दिस केस पीनट बटर। ओके, चले, मेरे पास यहाँ 6 टेबलस्पून्स भर के चॉकलेट है, जिसको मैंने चॉप करके यहाँ डाल दी है। डार्क चॉकलेट होनी चाहिए। और हम मक्खन इस्तेमाल करेंगे, फीका अनसॉल्टेड मक्खन, जो कि है 8 टेबलस्पून्स, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम एक सॉस पैन में डाल रहे हैं, इसलिए कि डायरेक्ट सॉस पैन में डाल रहे हैं इसलिए कि इसमें चॉकलेट के साथ एक और दूसरी अज्जा है। अगर चॉकलेट सिर्फ अकेली चॉकलेट मुझे मेल्ट करनी होती तो मैं कभी भी उसको डायरेक्टली चूल्हे पे नहीं करती, बिकॉज पैन में वो जलने का खतरा होता है, चॉकलेट जल जाएगी, हार्ड हो जाएगी, सीज हो जाएगी, तो कभी भी आप उसका कुछ भी नहीं फिर बना सकेंगे। मैंने चॉकलेट और मक्खन को यहाँ डाल दिया है और यहाँ हमें इसे बिल्कुल हल्की आँच पर मिक्स करेंगे। चॉकलेट अगर चॉप हुई हुई होगी ना तो आसानी से जल्दी से पिघल भी जाएगी, इसलिए मैंने ग्रेट कर दीजिए, ग्रेटर पे रख के, या चॉप कर दीजिए, जो भी आपको करना हो। लेकिन पूरा ब्लॉक फ्रिज में से निकाल के कभी भी नहीं इस्तेमाल करिएगा। क्या होगा कि वो चॉकलेट पिघलेगी नहीं, मक्खन पिघल जाएगा पहले और फिर वो अजीब सा हो जाएगा। आँच हमेशा इसकी हल्की सी रखते हैं। ये आपने इस तरह मिक्स किया, हमेशा हम डबल बॉयलर पे वैसे चॉकलेट करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। अगर चॉकलेट के साथ कोई और अज्जा है तो फिर इट्स फाइन डायरेक्ट चूल्हे पे, वरना आप उसको डबल बॉयलर पे करिए। पैन में पानी भरिए, पानी के ऊपर एक बोल रखिए, बोल में आप फिर चॉकलेट डाल के मेल्ट कर दीजिए। और प्लीज़ याद रहे कि जो भी बोल आप इस्तेमाल करें वो साफ़ सुथरा हो, डर्टी नहीं हो, बिल्कुल पानी नहीं हो उसमें। एक भी कतरा पानी अगर गया आपकी चॉकलेट में तो आपकी चॉकलेट सख्त हो जाएगी, एकदम से जकड़ सी जाएगी और फिर उसका कोई हल नहीं है, फिर आप उसको ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। लावा केक में 2-3 दफ़ा करा चुकी हूँ, वो चॉकलेट का ही कराया है, चॉकलेट ही यूजिंग आउट होती है, तो मैंने सोचा ज़रा आज थोड़ा मुख्तलिफ सा करते हैं। इसको हम सर्व करें
ऊपर आइसिंग शुगर छिड़केंगे और पुदीने के पत्ते रखेंगे, बादाम या पीनट बटर है तो आप मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ऊपर मूंगफली रोस्ट करके डाल दीजिएगा। मक्खन पिघल चुका है, थोड़े से चॉकलेट के टुकड़े हैं जो नहीं पिघले हैं अभी, को हमें पिघलाना है। इसमें पूरे 2 अदद अंडे जाते हैं और सिर्फ 2 अदद अंडे के अलावा 2 जर्दियां भी जाती हैं। जब भी आप चॉकलेट को पिघलाएं, अगर आपको लगे कि हीट ज्यादा लग रही है तो चूल्हे से हटा दीजिएगा, फिर दोबारा रखिए, दोबारा करिए। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में प्लीज याद रखिएगा कि शॉर्ट बर्स्ट पे करिएगा, यानी कि आपने एकदम से 1 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए नहीं रखना है, चॉकलेट एकदम हार्ड हो जाएगी। आपने क्या करना है, 30 सेकंड्स किया, फिर निकाला चम्मच से, आपने माइक्रोवेव में से निकाल के उस बोल को चॉकलेट को मिक्स किया, फिर दोबारा रखा 30 सेकंड्स, दोबारा चॉकलेट भी है, कोको भी है, और मैं दोनों चॉकलेट और कोको पाउडर ना डार्क क्वालिटी के इस्तेमाल करती हूँ। लाइट भी कोको पाउडर मिलते हैं और मोस्टली मैं मिल्क चॉकलेट नहीं इस्तेमाल करती, मैं हमेशा डार्क ही इस्तेमाल करती हूँ। आपको पता है डार्क चॉकलेट अगर आप मतलब मॉडरेशन में खाएं, ऐसे नहीं कि सुबह दोपहर शाम जारनक ने बोला है तो, ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर से एंड रिसर्च सेज कि जब आप डार्क चॉकलेट खाते हैं इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट, मजाक के अलावा इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर हार्ट। डार्क चॉकलेट होनी चाहिए जिसमें 70-80% से ज़्यादा कोको सॉलिड्स हो ना, वो वाली इट्स गुड फॉर योर हार्ट, इसलिए तो मैं सुबह दोपहर शाम चॉकलेट खाती हूँ जनाब, नॉट रियली। अच्छा जी, अब इसको हम रखते हैं, रैमेकिंस को मुझे ग्रीस करना है, ये बहुत ज़्यादा रैमेकिंस है, इतने सारे में नहीं बनेंगे, पूरा डब्बा मैंने खोल दिया है आज। इसे पूरा निकालना है, ऑब्सेशन है कि पूरा बीटर साफ होना चाहिए, तो फिर अब ये ऑब्सेशन को पूरा करते हैं। चलें डन, ये वहां छोड़ के आते हैं और फिर हम जल्दी से यहां आए हुए हैं तो हम इसको ग्रीस भी कर लेते हैं। ब्रश लीजिएगा अच्छी तरह, ब्रश की मदद से पूरा इसको ग्रीस कर दीजिएगा रैमेकिन को। इनको कहते हैं रैमेकिंस, ठीक है, ये कांच के सेरेमिक के बने होते हैं, इसी में भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको इसको नहीं ओवरटर्न करना है, निकालना नहीं है, तो गरम गरम ओवन में से सीधा इसी में सर्व करिए। जब तक मैं ये कर रही हूँ, हमें जाना है नाज़रीन ब्रेक पे, आप हमारे साथ रहिए। पीनट बटर लावा केक अज्जा, सादा मक्खन 8 खाने के चमचे, डार्क चॉकलेट 6 खाने के चमचे, पिसी चीनी 10 खाने के चमचे, अंडों की जर्दियां 2 अदद, अंडे 2 अदद, कोको पाउडर छना हुआ 1.5 कप, मैदा छना हुआ 5.5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर छना हुआ 2.5 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीनट बटर 4 खाने के चमचे, केले 2 अदद, आइसिंग शुगर गार्निशिंग के लिए, भुने बादाम गार्निशिंग के लिए, रिसबेरी या स्ट्रॉबेरी गार्निशिंग के लिए, पुदीने के पत्ते गार्निशिंग के लिए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2015। आई होप ये साल सबके लिए अच्छा गुजरे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। पीनट बटर लावा केक का जो बैटर था वो हम रेडी कर चुके हैं और मुझे क्या करना है, मुझे इसमें बैटर डालना है इस तरह। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज दिस हैज़ टू गो इन आर ओवन ऑल्सो देन बिफोर द फ्रीज़र में। पहले ये देखें, ये एक पीनट बटर का बॉल बनाया था, उसको हम बीच में ऐसे रखेंगे, अब हाथ से ही करना पड़ेगा, और इसके ऊपर हम इसको कवर कर देंगे। हमारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन जब आप बनाइए घर में तो प्लीज़ इसको फ्रीज कर दीजिएगा, ठीक है, इस स्टेज पे। फिर दोबारा बैटर डालिएगा, फिर सीधा ओवन में। अब मैं फ़ौरन कर लूँगी बिकॉज देर इज़ नो टाइम देन। पीनट बटर का बॉल बना के इस तरह बीच में,
ओके, अभी हम छः बनाते हैं बिकॉज मुझे इसके ऊपर कवर करने के लिए भी थोड़ा थोड़ा चाहिए ना ये। नाउ रिमेनिंग बैटर विल गो ऑन टॉप। ठीक है, आप लोग प्लीज टाइम दीजिएगा, इसको स्टेप्स में करिएगा, ठीक है, जल्दी नहीं करिएगा। बैटर बना के ठंडा कर